सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर को लेकर आने वाले फैसले का हिंदू और साधु समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुल्लू में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष स्वामी हरि नारायण गिरी ने कहा कि अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो इस बार की दीपावली अयोध्या में मनाएंगे। लंबे अरसे से अयोध्या में राम मंदिर व बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू व मुस्लिम पक्षों में जमीनी विवाद कोर्ट में चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पूरे देश के हिंदुओं की आस्था राम मंदिर निर्माण को लेकर कोर्ट के फैसले पर टिकी है। इस ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद अयोध्या में जमीनी विवाद लगभग समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी हरि नारायण गिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐतिहासिक फैसला दिवाली से पहले दिया तो इस बार अयोध्या में दीपावली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में पत्थरों की घिसाई व साफ सफाई का कार्य जोरों पर है। राम मंदिर के इस समय जो सुनवाई होना है वो तो चल रही है, लेकिन इस समय तो पत्थरों की घिसाई और साफ सफाई का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और प्रभु की इच्छा हुई, राम जी कृपा हुई तो इस बार हम लोग जो है दिवाली अयोध्या में ही मनाएंगे और अयोध्या तक जहाँ तक की है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और दिवाली तक इस बार राम मंदिर बनने का पूरा आसार है। देखिए, राम जी हमारे बड़े आराध्य हैं, उनकी हम लोग भी इच्छा है, हम लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने शिविर से निकल के एक महल रूप में मंदिर बने। उसके लिए तमाम लोग दवा भी कर रहे हैं, साथ में दुआ भी कर रहे हैं और लगे हैं कोर्ट में भी। फिलहाल तो राम मंदिर तो कब का बन जाता है, लेकिन हम लोग क्या है, एक कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस दिन उसका आदेश आएगा रात ही रात राम मंदिर तैयार हो जाएगा और योगी सरकार के संरक्षक में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इस बार दिवाली तक आसार है कि फैसला आने के बाद में राम मंदिर का शीघ्र ही निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।